वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। ये वाली मेरी घड़ी बंद हो गई है और मैं टाइम इसमें देख रही थी। टाइम हो गया है 3:30 बज गए हैं। हर्षिता जी स्कूल से आ गई हैं, बस बच्चे ने अभी ड्रेस चेंज नहीं करी। अभी ही 15-20 मिनट पहले नहा के निकली हूँ और ये वाली कुर्ती मेरी नई आई थी, मैंने जैसी ही खोली है वैसी ही पहन के देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने कई लोगों को इसे पहने में भी देखा था तो मुझे नहीं पता था कि मैंने सेम चीज़ ही ऑर्डर कर दी है। तो काफ़ी अच्छी फिटिंग भी ठीक है और स्लीव्स भी इसकी। तो मैंने खिचड़ी भिगा के रखी थी तो अब मैं फटाफट से वो बना रही हूँ क्योंकि हर्षिता के पेट में चूहे दौड़ रहे बहुत ज़ोर ज़ोर से, है ना। जाओ फटाक से कपड़े चेंज करो, इतनी खिचड़ी बन जाएगी और फिर हम दोनों मिलके खाते हैं। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं इस वाली दाल के साथ खिचड़ी बनाती हूँ। मूंग की छिलके वाली दाल है ये और एकदम जो छोटे छोटे टूटे हुए चावल होते हैं वो लेती हूँ, उसे खिचड़ी वाले चावल अलग से ही आते हैं। तो बस कुकर में डालूंगी और खिचड़ी में नमक और हल्दी डालूंगी, बस फटाफट से 5-6 सीटी लगाएंगे और बैठ के फिर गर्मा गर्म खिचड़ी खाएंगे। थोड़ी सी लूज है ये मेरे, पर मुझे थोड़े से लूज कपड़े ही अच्छे लगते हैं क्योंकि जब बैठ तो फंसते नहीं है। अच्छी लगी है ना? मुझे अच्छी लगी, सिंपल सोबर। दिख जाए जब मैं यहाँ से शूट कर रही होती ना तो मैं बैकग्राउंड देखती हूँ, बर्तनों को छोड़ के वो जो पीछे मैंने वॉल पेंटिंग लगाई हुई है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आज तो मेरे साथ मैच भी हो। तो हल्दी डाली है मैंने, जल्दी से नमक भी डाल देते हैं। मैंने सोचा तो ये था कि हर्षिता के आने से पहले ही बना लूंगी पर मेरे एक तो कोरियर आ गए और फिर मैं उनको रिसीव करने के चक्कर में खड़ी गई, कहीं साइन करके दो कहीं लेके रखो। तो ये खिचड़ी चढ़ गई है और अभी एक काम और बाकी है। देखिए मेरी ये घड़ी बंद है तो इसमें सेल डालना है। टाइम हो रहा है 3:35 हो गए हैं। अब वो देखिए वो बजा रही है 7:35। एक ना एक काम नए नए बने ही रहते हैं करने के। यहाँ देखिए बेड की बहुत बुरी हालत हमने अभी कर रखी है। एक ये कोरियर आया है, ये खुलना है मुझे अभी, एक ये कोरियर आया है ये खुलना है। मेरे अनबॉक्सिंग वाले चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, आप वहाँ जा उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी प्रोडक्ट खुद खरीदती हूँ वो सारे प्रोडक्ट वहाँ डालती हूँ और रीजनेबल अमाउंट के भी होते हैं। हर्षिता हेलो। और देखिए दिवाली गए, एक महीना होने वाला और मैंने अभी तक ये फ्लावर्स नहीं हटाए हैं रूम घर में से, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरा मन ही नहीं करता। और ये वाले तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सबको लग गए दाल है, ये खिचड़ी है पतली वाली क्योंकि हमें वही पसंद है। खिचड़ी को भी चॉपस्टिक से खाते हैं, चलो। है ना? नहीं। एक एक दाना चुगूंगी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो कि है ये देखिए, ये इसकी पैकेजिंग है जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। मैं प्रॉपर अभी आपको दिखाने वाली हूँ, खोलती हूँ मैं इसे। ब्रांडेड पैकेजिंग है एकदम, ये देखिए। अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये है क्या।
ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और ये है FSAS का ऑलिव एंड विटामिन ई रिच फेस हाइड्रेटर, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्मूथनेस और सॉफ्टनेस देगा। और साथ ही साथ आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन भी देगा। इट्स अ लाइट येट नरिशिंग फार्मूला विच इज ईजली एब्जॉर्ब बाय योर स्किन विदाउट लीविंग एनी ऑयल। 94% प्लांट्स की मदद से बना है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये आपकी स्किन को रिंकल फ्री कर देता है, मीन्स नो रिंकल, नो मोर ब्लेमिशेस। इट्स ऑसम। ये टेस्टेड है विदाउट साइड इफेक्ट, ग्लूटन फ्री और काफ़ी माइल्ड है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन। मैं आप लोगों को इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकती हैं। और बहुत ही बेनिफिट है इसके, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। और ये देखिए ये कैसे खुलता है, यहां से इसकी ये कैप हटेगी। और ये 100 ml में है। और मेन चीज़ इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए एकदम माइल्ड है, बहुत ही अच्छा, एकदम स्मूथ, एकदम सॉफ्ट, जैसा हम लोगों को अपनी स्किन के लिए चाहिए होता है। ख़ासतौर से फेस का हम लोग कुछ ज़्यादा ही ख्याल भी रखते हैं, तो बहुत अच्छा है, एकदम लाइट वेट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने लगाया है। ये देखिए, ये देखिए स्किन, स्किन में ग्लो, इधर देखिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए, एक्चुअल में आपको पसंद आएगा। और मज़े की बात है कि खुशबू बहुत अच्छी है।